चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग करने सिटी के साइड, जो कि फर्स्ट टाइम मैं सिटी में मोटो ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो का मजे लो। तो गाइस चलो अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं घर से बाहर। तो जैसे ही मैं रोड पहुँचने वाला था, सामने से आ रहा था बड़ा ट्रक। पहले ट्रक को पार होने दिया, उसके बाद में जो है बाइक मैं रोड पे ले आया। और जैसे ही मैं रोड पे आया, रोड पूरा खाली था, तो गाड़ी को मैं जो है भगाना शुरू कर दिया। तो फुल स्पीड में गाड़ी को भगा रहा था। आज का मौसम भी काफ़ी बढ़िया था, ठीक ठाक था, ठंडी ठंडी हवा चल रहा था, चारों तरफ हरा भरा था। तो ये फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए सामने में आ जाता है चौक, और यहाँ से मेरे को लेना पड़ता है राइट टर्न। और यहाँ से रोड काफ़ी ख़राब था, रोड का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, रोड काफ़ी ख़राब था। तो यहाँ से जो है स्पीड कम करना पड़ा, एकदम धीरे धीरे जाना पड़ा, क्योंकि गड्ढे वगैरह हैं, बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो यहाँ से स्पीड कम हो गया और धीरे धीरे मैं आगे चलते बना। तो जैसे ही मैं जो है ख़राब रोड को क्रॉस किया, सामने में आपको एक बाइक वाला दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दो लोग सवार हैं और उनका जो है साइड स्टैंड बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे में क्या है, एक्सीडेंट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कभी भी अगर बाइक चलाते हो तो अपना स्टैंड एक बार चेक जरूर से कर लें। और यहाँ पे सामने से आ जाता है अचानक बड़ा सा ट्रक, और ये बीच में गड्ढा, तो साइड से कट मारते हुए मैंने पार किया। और सिटी के साइड जैसे ही मैं पहुंच गया, वैसे ही जो है बारिश शुरू हो गया। आप लोग देख सकते हैं मेरा गोप्रो में जो है धुंधलापन भी आ सकता है, क्योंकि बारिश शुरू हो गया। अभी जो है बारिश बंद हो गया है, लेकिन आज जो है ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि आज जो है मंडे, और मंडे को यहाँ मार्केट होता है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा लग रहा है। तो एक एक करके मैं गाड़ी क्रॉस करते जा रहा हूँ ओवरटेक करते हुए। और ये सामने में है कार, इसको भी ओवरटेक करते हुए पार किया। सामने में फिर एक कार, इसको भी मैं पार किया। धूल भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा था ये ट्रक के कारण, तो ट्रक को भी मैं ओवरटेक करते हुए यहाँ से क्रॉस कर लिया। अभी पहुँच गया ख़राब रोड पे, आगे पूरा कीचड़ भरा हुआ है, तो साइड से मैं कट मारते हुए निकाल रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बाइक भी जो है कम गंदा हो। सामने से पिकअप आ रहा है, तो मैं ये रॉन्ग साइड पे राइट साइड से क्रॉस कर लिया। कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी स्पीड कम था, मेरा भी स्पीड कम था। और मेरे सामने यहाँ एक स्कूटी वाले, और बीच में आ जाते हैं चाचा जी। कहाँ से आते हैं? और जैसे ही आगे आता हूँ, ये तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्कूल वैन है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरे को देख के बड़े ही प्यार से हाय करते हुए हाथ हिलाते हैं अपना, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे को देख के बड़ा ही अच्छा लगा, मैं भी जो है अपने रिस्पॉन्स में मैं भी अपना हाथ हिलाया। और जैसे ही मेरे को रास्ता दिखाई दिया, मैं जो है कट मार के वैन के आगे निकल गया। और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ एक स्कूल के पास, जहाँ पे फ़िलहाल में छुट्टी हुआ है, और यहाँ ढेर सारा पब्लिक रिएक्शन लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी मैं आ गया हूँ एकदम ही कीचड़ वाले रास्ते पे, जो कि नया नया रोड बन रहा है, और यहाँ का मिट्टी जो है पूरा चिकनी मिट्टी है, एकदम ही चक्का जो है मेरा स्लिप खा रहा था। और यहाँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ जो है मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, और मेरा बाइक जो है टेढ़ा हो जाता है, मेरा पैर इधर कीचड़ में धंस जाता है। तो बाइक बहुत ज़्यादा भारी है, बड़ी ही मुश्किल से मैं जो है बाइक को उठाया, उसके बाद में बाइक स्टार्ट किया। और जैसे ही मैं आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा था, बाइक जो है एकदम चक्का स्लिप खा रहा था, इतना मतलब कीचड़ था वहाँ, रोड नया नया बन रहा था। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाया, बाइक जो है एक बार बंद हुआ, फिर स्टार्ट किया, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाया। यहाँ पे जो है बाइक मेरा थोड़ा स्लिप कर रहा था, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा। वैसे कैमरा मेरा बंद था, अभी जैसे स्लिप किया वैसे ही मैंने जो है कैमरा ऑन किया। तो यहाँ पे क्या है, बाइक मेरा पूरा स्लिप कर रहा था, और जूते पे पूरा कीचड़ आ चुका है।
चलो आगे देखते हैं। वैसे आपको पता ही है रास्ता भी कैसा है, देखते हैं आगे अभी कैसा रास्ता मिलता है। तो यहाँ पे रोड का हालात देख सकते हो, अभी मैं जो है गिरते गिरते बच गया, बाइक स्लिप हो गया था, तो एकदम ही धीरे धीरे मैं बाइक चला रहा था 10-15 के स्पीड में और बहुत ही ज़्यादा फिसलन था, धीरे धीरे चला रहा था। आप लोग वीडियो देखो, एंजॉय करो। तो गाइस इसके बाद मैं पहुंच गया अच्छे रोड पे और यहाँ पे जो है फुल स्पीड में मैं बाइक भगाते रहा और मैं पहुंच गया घर। तो आज का वीडियो गाइस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद ज़रूर से आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।